नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज अ पार्टिकल ऑफ मास एम रिवॉल्विंग इन अ हॉरिजोंटल सर्कल ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड वी वेन पार्टिकल गोज फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ऑफ अ डायमीटर देन चेंज कनेटिक एनर्जी चेंजेस बाय दिस कनेटिक एनर्जी चेंजेस बाय दिस नो चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम इज टू एम बी नाउ अगेन सिंपल सवाल है इसको ऐसे देखेंगे कि ये मान लीजिए आपका सर्कुलर पाथ है लेटस से आपका पार्टिकल ऐसे करके एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जा रहा है ओमेगा आपने वह फिक्स दिया हुआ है यूनिफॉर्म स्पीड वी है तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी वी इधर जब पार्टिकल आपका इस जगह पहुँचा तो यहाँ पे वेलोसिटी इधर तो इस जगह पे लेट से ए से भी आपका पार्टिकल मूव किया है सो so, इस जगह पे आपकी कानेटिक एनर्जी जो लिखी जाएगी दैट विल बी इक्वल टू हम कहेंगे कानीटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इस जगह पर आपकी कानेटिक एनर्जी आएगी देट विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर सो ए और बी के बीच में हम कहेंगे आपका डेल्टा के ई कानेटिक एनर्जी में चेंज विल बी इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज जो पहले इनिशियल वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्वायर की uh, जो इनिशियल कान्टिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर थी वही सेम रही तो चेंज इन कानेटिक एनर्जी आपका ज़ीरो आया हैंस आपका ऑप्शन वन भी सही नहीं है ऑप्शन टू भी सही नहीं है मोमेंटम uh, को एक बार चेक कर लेते हैं तो ए पॉइंट पर आपका जो मोमेंटम लिखेंगे डेल्टा पी नहीं डेल्टा पी नहीं Uh, यहाँ पे मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम जो लिखेंगे वो इस डायरेक्शन में होएगा उसको आप लिखेंगे एम वी आई कैप हमने uh, किसी भी डायमीटर के दो अपोजिट एंड लेने थे हमने इस डायरेक्शन में ले लिए सो एम वी जे कैप हो जाएगा ये ठीक है ये आपका इनिशियल uh, मोमेंटम हो गया बी पॉइंट पे अगर हम मोमेंटम देखेंगे तो आपका जो फाइनल मोमेंटम है उसकी वैल्यू हो जाएगी एम वी मल्टीप्लाइड बाई माइनस जे कैप नाउ इसको अगर हम चेंज इन मोमेंटम देखेंगे डेल्टा पी यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस आपका इनिशियल मोमेंटम तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इज माइनस एम वी जे माइनस एम वी जे सो आपका डेल्टा पी जो है डेल्टा uh, पी उसकी वैल्यू आ गई टू एम वी जे डायरेक्शन में क्योंकि हमने जे माना है इसका अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना हो तो डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड दैट विल बी इक्वल टू टू एम वी सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर फोर वुड बी द राइट आंसर ये थर्ड भी आपका गलत हो गया ठीक है सो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया